हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ये बॉटल पेंट करने जा रही हूँ। देखने में तो ये बॉटल बहुत ही सिंपल लग रही है, लेकिन आपने सुना ही होगा कि सिंपलिसिटी में ब्यूटी होती है, और ये उतनी ही ब्यूटीफुल भी लग रही है जितनी सिंपल है। कभी कभी सिंपल चीज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और अच्छी लगती है, और आपका जो स्पेस होता है उसको बहुत एक अच्छा और एलिगेंट लुक देती है। ये बॉटल बिल्कुल उसी का एक एग्जाम्पल है। इससे पहले कि हम आगे ट्यूटोरियल के और बढ़ें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कांच की बॉटल लेके उसके सारे स्टिकर्स निकाल दिए और उसको अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम बॉटल को पेंट रेडी करेंगे। पेंट रेडी करने के लिए हम जैसो अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास रेडीमेड जैसो है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको यूज़ कीजिए, और अगर जैसो नहीं है तो जिस तरह से मैं फेविकॉल में बेबी पाउडर मिक्स करके जैसो बना रही हूँ आप भी उसी तरह से बना सकते हैं। कंसिस्टेंसी आप हल्का सा पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा थिक हो गया है, पाउडर ज़्यादा डल गया है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कंसिस्टेंसी को। ये जैसो तैयार है मेरे पास में। जो जैसो है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इसको एज इट इज़ यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं बॉटल पे जैसो को अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। बेसिकली जैसो हम लगाते हैं बॉटल को या किसी भी सरफेस को पेंट रेडी करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप बॉटल पेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर पेंट डायरेक्टली बॉटल पे यूज़ करेंगे, कांच की बॉटल है, तो वो उस पर सिंगल कोट में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और अगर दो तीन कोट में आप तो उसको लगा भी लेते हैं तो भी उस तरह की फिनिश नहीं आएगी। जैसो लगाने के बाद में आपको सिंगल कोट में ही बहुत अच्छी फिनिश मिलेगी। जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, अब हमें 3 से 4 घंटे इस बॉटल को सूखने के लिए रख देना है। तो बॉटल पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, अब हम इसको पेंट करेंगे। मैंने ग्रे कलर लिया है, साथ में एक स्पंज की हेल्प से मैं इसको पेंट करने वाली हूँ। आप ब्रश से भी यूज कर सकते हैं ब्रश भी, लेकिन मैं स्पंज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्पंज से कभी कभी टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैंने स्पंज यूज़ किया है। हम इसे ब्रश की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही कलर आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप, मैं ग्रे कलर यूज़ कर रही हूँ तो आप भी ग्रे कलर लें। आप किसी भी लाइट एंड डार्क कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए सिंगल कोट किया है मैंने, बिल्कुल भी आप ही के सामने कर रही हूँ, एक ही कोट में कितने अच्छे से सारा कलर हो जा रहा है। और अगर जैसे आपने नहीं अप्लाई किया होता तो ये सिंगल कोट में इस तरह का कलर नहीं आता। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से पेंट हो गया है। अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं 1 घंटे के लिए। देखिए बॉटल अच्छे से ड्राई हो गई है, 1 घंटा हो चुका है। अब हम व्हाइट एक्रेलिक कलर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, साथ में मैं कॉम्ब ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब हम इस तरह से वर्टिकल स्ट्रोक्स मारेंगे, इस तरह से हमें वर्टिकल स्ट्रोक्स करने हैं। पेंट पे अच्छा, तो स्ट्रोक्स ऐसा नहीं है कि आपको एक ही लाइन में करने हैं या इक्वल साइज इक्वल हाइट के करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ स्ट्रोक्स छोटे बनाएंगे, कुछ बड़े बनाएंगे, तभी ये जो डिज़ाइन है ये ऊपर के सामने आएगा, सारा एक जैसा हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आपको कुछ ऊपर करने हैं, कुछ नीचे स्ट्रोक्स करने हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बस ये याद रखिए कि बीच का जो पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाए। वाइट कलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे भी स्ट्रोक्स कर रहे हैं वहाँ पे वाइट कलर ही दिखे, ग्रे कलर ना दिखे। इस तरह से इसके लिए हमें एकदम परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, हमें टेढ़े मेढ़े स्ट्रोक्स करने हैं।
और कोम ब्रश हम इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो स्ट्रोक्स अच्छे दिख रहे हैं, कोम ब्रश से स्ट्रोक्स बहुत अच्छे आते हैं, सो दैट इज व्हाई। व्हाइट कलर सूख गया है और अब मैं ऊपर जो बॉटल का जो माउथ है उसको मैं हल्का सा व्हाइट पेंट मारती हूँ और हमारी बॉटल बनके तैयार है ना, ये बहुत इजी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।